नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टडी फॉर गवर्नमेंट जॉब में। मैं रवि सर, आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के एमसीक्यूज पर। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो टॉपिक का नाम है ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम एमसीक्यूज बाय रवि सर, स्टडी फॉर गवर्नमेंट जॉब, कॉन्टेक्ट नंबर दिस। तो आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जो आपने कल पढ़ा था उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। ह्यूमन स्केलेटन आप प्लेलिस्ट में जाओगे, RO ARO की प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, उसमें आप ह्यूमन स्केलेटन संपूर्ण व्याख्या वाला लेक्चर आप पहले देख लोगे, इसके बाद ये टेस्ट लगाओगे तो बहुत आसानी से आप इस टेस्ट को कर पाओगे। मात्र 10 मिनट का टेस्ट है। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो हड्डियों के अध्ययन को कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी। क्या बोला जाता है? ऑस्टियोलॉजी। आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, तेजी से आप इसे पढ़ें और इसका जवाब देने का प्रयास करें। हड्डियों से संबंधित बीमारी जिसमें हड्डियों का डेंसिटी कम हो जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस आंसर हो जाएगा इसका बी। क्यों? देखिए ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, हड्डियों में छेद हो जाते हैं, हड्डियों में छेद हो जाते हैं और हड्डियों का जो कैल्शियम है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से बोन डेंसिटी कम हो जाता है और हड्डियां आसानी से टूट जाती हैं। तो ये एक बीमारी है, आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वन मिनट। एक मिनट, ये थोड़ा सा सेटिंग गड़बड़ हो गई है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस भाग में रक्त कणिकाएं निर्मित होती हैं? तो हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड सेल्स कहाँ पर बनती हैं? तो हड्डियों में जो बोन मैरो होती है उसमें बनती हैं ब्लड सेल्स। ओके, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर होगा बी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। मेटाकार्पल बोन कहाँ पाई जाती है? तो स्केलेटन सिस्टम का जो हमने संपूर्ण व्याख्या वाला लेक्चर आपको पढ़ाया है तो उसमें आपको हमने बताया था मेटाकार्पल बोन कहाँ पाई जाती है, हाथ में पाई जाती है। आंसर होगा यहाँ पर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तेजी से इसको सॉल्व करते हैं टेस्ट को। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी कौन सी होती है? फीमर। कौन सी बोन होती है? फीमर। और फीमर कहाँ पर होती है? जांग में होती है, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स को आप देखिए, निम्न में से किसके द्वारा मानव की स्पाइनल कॉर्ड सुरक्षित रखी जाती है? मतलब बॉडी में वो कौन सा अंग होता है जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरु रज्जु को सुरक्षित रखता है? तो वो होता है वर्टीब्रा, है ना। तो वर्टीब्रा हमने आपको पढ़ाया है लेक्चर में, वो ऐसे ऐसे छल्लेदार उसमें रिंग है ना होते हैं हड्डियाँ, तो इसी के बीच में छेद होते हैं, इसी में पड़ी होती है क्या स्पाइनल कॉर्ड। तो हड्डियों में जो वर्टीब्रा होते हैं, 33 वर्टीब्रा होते हैं आपको पढ़ाया गया है, उसी के अंदर जो छेद होते हैं उसके अंदर से गुजरती है कौन? स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट करता है? वर्टीब्रा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन आपके सामने स्क्रीन पर, आप इसका जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से किसके द्वारा हृदय और फेफड़ा सुरक्षित रहता है? तो हमारा जो हार्ट होता है और जो लंग्स होते हैं वो पसलियों का जो पिजड़ा होता है ना उसके बीच में होता है, तो पसलियाँ जो होती हैं वो रिब्स यानी रिब्स इसको क्या करती है? रिब्स और स्टर्नम, तो सारी जो रिब्स होती हैं वो स्टर्नम से कनेक्ट होती हैं। तो स्टर्नम बोन कौन सी होती है? जो हमारे चेस्ट में आगे की तरफ होती है, चेस्ट में आगे की तरफ जहाँ पर पसलियाँ जुड़ी होती हैं उसको स्टर्नम कहते हैं। तो स्टर्नम और जो रिब्स होती हैं ये हमारे लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। अगला क्वेश्चन, लेक्चर आप देख लीजिएगा अगर किसी ने नहीं देखा है तो। कंकाल तंत्र का वह भाग जिसमें अंश मेखला, श्रोणि मेखला मतलब पेक्टोरल गर्डिल और पेल्विक गर्डिल, हैंड और लेग्स की जो बोन्स होती हैं वो शामिल होती हैं, तो उस
कंकाल तंत्र को क्या कहते हैं? तो स्केलेटन सिस्टम जो मानव का होता है उसके दो भाग होते हैं, एक होता है एक्सियल और एक होता है एपेंडिकुलर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये होगा एपेंडिकुलर। आपको मैंने पढ़ाया है, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है स्केलेटन सिस्टम संपूर्ण व्याख्या तो उसे देख लीजिए, तब इसे करेंगे तो आप आसानी से कर पाओगे। तो वो होता है यहाँ पर एपेंडिकुलर यानी परिधीय कंकाल, है ना। और जो एक्सियल होता है उसको अक्षी कहते हैं, एक्सियल में हमारा स्कल आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, निम्नलिखित में से कौन अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारी जो हड्डियां होती हैं मसल से जुड़ी होती हैं, तो हड्डियां मसल से जुड़ी होती हैं तो वो होता है टेंडन। तो टेंडन जो होता है ये हड्डियों को मसल से जोड़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर सी होगा। तो जैसे अगर कोई नॉनवेज खाता है, नॉन वेजिटेरियन जो लोग होते हैं वो जब चिकन को पकाते हैं तो उसका जो मसल्स होती है मांस, वो हड्डियों से चिपकी होती है, जिसको पका देते हैं तो उसकी पकड़ कम हो जाती है और वो आसानी से उन मसल्स को हड्डियों से छुड़ा पाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मसल्स और हड्डियों को जोड़ने वाला क्या कहलाता है? टेंडन। और अगर ये पूछा जाए बोन को बोन से कौन जोड़ता है, तो लिगामेंट होता है आंसर, तो ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आप देखिएगा, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है, कहाँ होती है? कान में। आप लोग बताइए कमेंट करके, कान में कितनी हड्डियाँ होती हैं, कान में कितनी हड्डियाँ होती हैं कमेंट करके बताइए, पढ़ा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से नवजात शिशु में कितनी हड्डियाँ होती हैं? नवजात शिशु में ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं, 300 होती हैं, ठीक है। और जब वो बड़ा होता है तो उसकी कुछ हड्डियाँ क्या हो जाती हैं? फ्यूज्ड हो जाती हैं, तो संख्या कम हो जाती है। तो जब एडल्ट हो जाते हैं तो 206 होती हैं। और बच्चों में, न्यू बॉर्न बेबी में कितनी होती हैं? 300 होती हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्केलेटन सिस्टम का है? तो स्केलेटन सिस्टम क्या करता है? ब्लड का निर्माण करता है, बोन मैरो। स्केलेटन सिस्टम जो हड्डियों के अंदर जो बोन मैरो होती है उसमें क्या बनता है? ब्लड, यानी ब्लड सेल्स बनती हैं। तो उस क्रिया को कहते हैं हीमोपोइसिस। क्या कहते हैं? तो हीमोपोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स इन बोन मैरो। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, अगली स्लाइड में, निम्नलिखित में से कौन सी हाथ की उंगलियों की अस्थियां हैं? तो हाथ की उंगलियों में क्या पाया जाता है? हाथ की उंगलियों में क्या होती है? फैलेंजेज, आपको पढ़ा चुके हैं। तो एक हाथ की फैलेंजेज में कितनी हड्डियां होती हैं? 14, और दूसरे तरफ भी 14, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, आरओ की प्लेलिस्ट बनी हुई हमारे चैनल पर, उसमें आप देखिएगा स्केलेटन सिस्टम संपूर्ण व्याख्या, आप उसे देख लीजिए। देखने के बाद आप ये टेस्ट लगाएंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी थिनेस्ट बोन, तो थिनेस्ट बोन कौन सी होती है? तो थिनेस्ट बोन होती है, आप लोग यहां पर बताइए थिनेस्ट बोन कौन सी होती है? टीबिया, बी होगा आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 15 स्क्रीन पर आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा मानव खोपड़ी की चलायमान अस्थि है? कौन सी, मतलब मानव की खोपड़ी जो होती है उसकी हड्डियां चलती नहीं है, लेकिन एक हड्डी होती है जो चलायमान होती है, ठीक है, और वो होती है मैंडिबल बोन। आपको हमने स्केलेटन सिस्टम में स्कल का एक पिक्चर दिखाया था, उस पिक्चर में मैंडिबल बोन बनी हुई है, आप जाकर वहां से देख लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मानव यानी वयस्क मानव में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 होती हैं, अभी अभी आपको बताया था, आंसर होगा यहां पर बी। अगला क्वेश्चन, अगली स्लाइड आप देखिए, अगली स्लाइड में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं?
आप इसका आंसर बताइए। वैसे आंसर इसका होता है 29, मैंने बताया था, जिसमें ऑप्शन है नहीं, ठीक है, तो इसमें वो ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए आप इसका आंसर ए लगा सकते हो। क्या लगाओगे? ए लगा दो, ठीक है। स्केल्टन सिस्टम का आप लेक्चर देखिए, उसमें आपको ये सारे मिल जाएंगे, सभी का जवाब आपको मिलेगा। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? 24 होती है, इसका मतलब 12 जोड़ी है ना, कितनी होती है? 12 पेयर। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? ठोस होती है, खोखली होने का कोई मतलब ही नहीं है। खोखली होगी तो फिर चल ही नहीं पाएंगे ना, सी होगा। हड्डियाँ खोखली किसमें होती हैं? हड्डियाँ खोखली होती हैं पक्षियों की, वो हल्की होती हैं तभी वो उड़ पाते हैं। मनुष्य के शरीर में पैर के, ये सॉरी वो वही रिपीट हो गया एक्चुअल में, तो आंसर इसका सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या होती है? आर्थोप्लास्टी क्या होती है? तो आर्थोप्लास्टी होती है गुर्दा प्रत्यारोपण थोड़ी ना होता है, ये कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन होता है। इसका ऑप्शन बी मुझसे कट गया है, तो ध्यान दीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, हिप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, ऑप्शन इसका कट गया है ना। आर्थोप्लास्टी में क्या किया जाता है? हिप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट किया जाता है, हिप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, हिप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट ये आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वयस्क मानव में, ये वही रिपीट हो गया, 206 होती हैं। आगे बढ़ते हैं, मनुष्य की खोपड़ी में ये रिपीट हो गया भाई थोड़ा सा, हाँ इसको देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। स्पाइनल कॉर्ड में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं? तो ध्यान रखिएगा 31 होती है, और वर्टिब्रा कितने होते हैं? वर्टिब्रा 33 होते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है? तो कैल्शियम और फास्फोरस, क्या आंसर होगा? डी, कैल्शियम और फास्फोरस। आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, लिस्टिंग वाला क्वेश्चन है, ए लिस्ट बी लिस्ट यहाँ पर मैच करनी है। तो देखो जो ब्रेस्ट बोन होती है, ठीक है, ध्यान से इसको पढ़िएगा, ब्रेस्ट बोन, ठीक है, ये स्टर्नम से मिलेगा, और कॉलर बोन, जो कॉलर बोन होती है, तो कॉलर बोन हमने आपको बताया था ब्यूटी बोन होती है, और ब्यूटी बोन को क्या कहते हैं? क्लेविकल, तो कॉलर बोन मिलेगा 1 से, ठीक है। इसके बाद जो नी कैप होता है ना, घुटने का जो कैप होता है, तो घुटने का जो कैप होता है उसके ऊपर पटेला होता है, क्या होता है? पटेला, पढ़ाया गया आपको। बच गया एक सोल्जर ब्लेड, तो हमारी जो श्रोणि मेखला होती है जिससे हमारे हाथ की हड्डियाँ जुड़ी होती हैं, अपर आर्म, तो वहाँ पर क्या होता है? स्कैपुला होता है, क्या बोलते हैं उसको? स्कैपुला। तो आंसर यहाँ पर क्या बनेगा भाई? आंसर बनेगा सी। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसको आप मिला लीजिए। ये आप लेक्चर पढ़िए तो आप इसे आसानी से कर पाओगे। तो इतने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे अभी, हमारे जितने भी एग्जाम में बन सकते हैं वो सारे हमने यहाँ पर करा दिए। इसको बार बार आप रिवाइज करिएगा, और इसका पीडीएफ लेने के लिए, इन क्वेश्चन का पीडीएफ लेने के लिए आपको हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, वहाँ पर ही आपको फ्री में टेलीग्राम में पीडीएफ मिल जाएगा। तो दोस्तों देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट जरूर करिए कि आपको लेक्चर कैसा लगा, क्वेश्चन आपको समझ में आए कि नहीं आए, है ना। ये कमेंट आप, जब आप कमेंट करोगे, अपनी समस्या बताओगे, तभी हम और अच्छे लेक्चर आपको तैयार कर पाएंगे, क्योंकि आप लोगों के कमेंट हमें प्रोत्साहित करते हैं। तो प्लीज़ देखने के बाद कमेंट जरूर कर दिया करिए, कमेंट करने में तो कुछ जाता नहीं है आपका, है ना, कुछ पैसे तो खर्च होते नहीं हैं, तो आप कमेंट जरूर करिएगा, जिससे कि हम
आपको आपके अकॉर्डिंग और अच्छी चीज़ें दे पाएँ। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम लोग एक इसी प्रकार के अमेजिंग लेक्चर के साथ। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।